हेलो गाइस, वेलकम टू सॉरी अभी। तो भाई आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ग्रैंड विटारा के दो वेरिएंट, सिग्मा और डेल्टा। दोनों में आपको क्या डिफरेंस मिलता है और सिग्मा से डेल्टा में आपको क्या ज़्यादा मिल जाता है। बाकी अपना सिग्मा वेरिएंट भी फ्रंट से ऐसा ही दिखाई देता है और डेल्टा भी अपना कुछ ऐसा दिखाई देता है। आपसे आपको ना सामने से कोई भी अंतर नहीं दिखाई देना देगा दोनों वेरिएंट में। बाकी अपनी फ्रंट ग्रिल देखी जाए ना, दोनों बेस वेरिएंट में भी आपको पियानो ब्लैक के साथ में मिल जाती है और बीच में मिल जाता है बड़ा सा सुजुकी का लोगो जो सिल्वर क्रोम का वर्क कर रखा है ना, काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और जो इसकी लाइट मिल जाते हैं वो मिल जाती है आपके DRL में, मिल जाते हैं तीन यहाँ पे, और प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं आपको हेलोजन में। टॉप वेरिएंट में जो आते हैं ना वो आते हैं आपके जो स्किड प्लेट मिलते हैं ना आपको मिल जाती है वो सिल्वर कलर की। बाकी आपको फ्रंट में कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलता, वो मिलता है आपको टॉप वेरिएंट में। और अपना जेटा वेरिएंट कुछ ऐसा दिखाई देता है, दोनों वेरिएंट आपको सेम ही दिखाई देंगे। आपको मिल जाती है सिल्वर क्रोम की ग्रिल जो आपको बेस वेरिएंट में मिल जाती है, सुजुकी का लोगो, और यहाँ पे मिल जाता है तीन DRL, और ये मिल जाता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प। फ्रंट से अपनी गाड़ी में दोनों में सेम ही मिलता है। बाकी चलते हैं इनकी साइड प्रोफाइल में, साइड से अपनी गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देती है। 17 इंची आपको टायर मिल जाते हैं इसके, यहाँ पे क्लाइडिंग का वर्क मिल जाता है। ORVM की बात की जाए तो ORVM मिल जाता है आपको बॉडी कलर के, यहाँ पे मिल जाता है आपको साइड इंडिकेटर और बॉडी कलर के मिल जाते हैं डोर हैंडल, और यहाँ पे मिल जाता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर। साइड से अपनी गाड़ी कुछ ऐसी मिल जाते हैं, और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको ब्लैक कलर का बी पिलर मिल जाता है, और पीछे का पिलर मिलता है ना जो यहाँ पे मिल जाता है गन टाइप में, काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और जो इसके ग्लास मिलते हैं वो मिल जाते हैं आपको टेंटेड। बाकी अपने डेल्टा वेरिएंट भी सेम ही दिखाई देती है साइड से। जो आपको डिफरेंस मिलेगा ना वो मिलेगा आपको इंटीरियर में, मिलेगा एक्सटीरियर में कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बाकी चलते हैं अपने डेल्टा वेरिएंट के साइड प्रोफाइल पे, यहाँ पे भी आपको क्लाइडिंग का वर्क मिल जाता है, सेम इसी में मिल जाता है। R17 के टायर मिल जाते हैं, अगर जो आप चाहते हो ना अलॉय इंस्टॉल करा सकते हैं, 40,000+ की कॉस्ट के साथ में आते हैं इन दोनों में ना। और सभी वेरिएंट में आपको कोई भी फर्क नहीं बता पाएगा कि ये बेस है या टॉप है। और इसका मिल जाता है बॉडी कलर ORVM, और साइड इंडिकेटर मिल जाता है आपको ORVM पर, और बॉडी कलर ही डोर हैंडल मिल जाते हैं, और रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। बाकी अपनी गाड़ी साइड से डेल्टा वेरिएंट भी सेम ही दिखाई देती है। बाकी चलते अपने रियर प्रोफाइल पर, रियर से अपनी गाड़ी कुछ ज़्यादा ही प्यारी और अच्छी लुक में मिल जाते हैं। जो इन गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है ना वो मिल जाता है आपको 210 mm का, किया सेल्टोस और क्रेटा से भी ज़्यादा मिल जाता है, काफ़ी ऊंची गाड़ी मिल जाती है। और ये वेरिएंट भी आपको जो मारुति की पहली गाड़ी है ना ये, इसमें भी आपको 4x4 का सिस्टम मिल जाता है, पर अभी वो गाड़ी अपने पास में नहीं आई, जैसे ही आएगी उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी रियर से अपनी गाड़ी कुछ ऐसी मिल जाती है, यहाँ पे रूफ पे मिल जाता है आपको सार्फिन एंटीना, और यहाँ पे मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पे आपको डिफोगर की प्लेसमेंट मिल जाती है, और यहाँ पे मिल जाती है आपको सुजुकी का लोगो बड़ा सा, और यहाँ पे जो टेल लाइट मिलती है ना काफी अच्छी मिल जाती है यहाँ पे, और ये मिल जाती है आपको साइड इंडिकेटर, यहाँ पे मिल जाती है ब्रेक लाइट, और यहाँ पे मिल जाता है रिफ्लेक्टर जो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, और यहाँ पे मिल जाती है आप ग्रैंड विटारे की बैचिंग, और यहाँ पे मिल जाती है नेक्सा की बैचिंग। तो रियर से अपनी गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देती है, और यहाँ पे मिल जाती है आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोल दोनों वेरिएंट में आ चुकी है। अगर जो इसका टॉप वेरिएंट होगा ना अल्फा प्लस, उसमें आपको ये बैटरी से भी चलती हुई दिखाई देगी। बाकी चलते अपने सिग्मा वेरिएंट में, सार्फिन एंटीना, और यहाँ पे मिल जाता है आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प डिफोगर, और यहाँ पे मिल जाती है आपको सुजुकी का लोगो, नीचे मिल जाती है आपको ग्रैंड विटारा की बैचिंग, टेल लाइट अपनी कुछ ऐसी मिलती है, पार्किंग सेंसर और दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं दोनों गाड़ियों में। काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी प्यारी लगती है दोनों गाड़ियाँ। इंटीरियर ना अपनी गाड़ी का कुछ ऐसा दिखाई देता है, और ड्राइवर साइड डोर मिल जाता है आपको डबल टोन में मिल जाता है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का वर्क मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिल जाता है, यहाँ पे ब्लैक, और यहाँ पे मिल जाता है आपको थोड़ी की फिनिशिंग, और यहाँ पे मिल जाता है क्रोम का हैंडल, यहाँ पे मिल जाता है पावर विंडो के कंट्रोल, और यहाँ पे मिल जाता है इलेक्ट्रिकली ORVM के कंट्रोल, और यहाँ पे मिल जाता है एक बोतल होल्डर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस। जो बेस वेरिएंट में इसमें आता ना वो मिल जाता है हाइट एडजस्ट का फंक्शन मिल जाता है बेस वेरिएंट में, देख सकते हो भाई मारुति ने कितना अच्छा काम किया। बेस वेरिएंट से ही ना आपको हाइट एडजस्ट का फंक्शन मिल जाता है। बाकी इसकी की फोक की बात की जाए ना, की फोक कुछ ऐसी मिल जाती है, लॉक अनलॉक के साथ में मिल जाती है, और पीछे मिल जाता है आपको सुजुकी का लोगो, और इसके डोर में मिल जाता है आपको स्पीकर। इसमें कोई भी स्टूडियो नहीं है, बट इसमें ना स्पीकर आपको जब भी मिल जाता है, देख सकते हो
इसमें आपको स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, और यहाँ पे मिल जाता है एसी इवेंट, कुछ ऐसे मिल जाते हैं। इनमें ना कोई भी क्रोम का वर्क नहीं मिलता है। डैशबोर्ड मिलता है आपको फुल्ली ब्लैक मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको लाइट लेवलर। सीट मिल जाती है आपको फैब्रिक की, और काफ़ी चौड़ी मिल जाती है। और स्टेयरिंग की बात की जाए, स्टेयरिंग मिल जाता है आपको कुछ ऐसा। यहाँ पे मिल जाता है वॉल्यूम के माउंटेन कंट्रोल, यहाँ पे मिल जाता है बड़ा सा सुजुकी का लोगो, और यहाँ पे क्रोम का वर्क। यहाँ पे आपको देख सकते हो काफ़ी प्यारी लग रही है जो स्टेयरिंग आता है ना, इसका गोली स्टेयरिंग आता है। यहाँ पे मिल जाता है सिल्वर क्रोम का वर्क, जो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी चलते हैं इसके इंटीरियर में। इंटीरियर से अपनी गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देती है। डैशबोर्ड आपको फुल्ली ब्लैक मिल जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ब्राउन शेड में मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको सिल्वर क्रोम का वर्क, जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रीमियम बनाता है इस गाड़ी को। और यहाँ पे मिल जाता है आपको डोर हैंडल, और यहाँ पे मिल जाता है आपको एक सनवाइजर, और वैनिटी मिरर मिल जाता है। इसमें कोई भी लैंप नहीं मिलती है। यहाँ पे मिल जाती है एयरबैग की बैचिंग, यहाँ पे लैंप मिलती है हेलोजन में, और ORVM मिलता है ना, वो मिल जाता है डे नाइट मैनुअली एडजस्ट के साथ में मिल जाता है। यहाँ पे स्टूडियो के लिए स्पेस मिल जाता है, एसी इवेंट कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पे मिल जाता है हैजर्ड लाइट का बटन, यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, और यहाँ पे मिल जाता है आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, और यहाँ पे मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट। यहाँ पे आपको कोई भी USB का पॉइंट नहीं मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, अच्छा देख सकते हो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और ये गाड़ी 5-स्पीड मैनुअल के साथ में आती है। हैंड ब्रेक मिल जाते हैं क्रोम टिप के साथ में, यहाँ कप होल्डर मिल जाता है। बेस वेरिएंट में ये आपको मिल जाता है आपको आर्म रेस्ट, और यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है। अपना मीटर कुछ ऐसा मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मिल जाता है आपको डेकोमीटर, यहाँ पे मिल जाता है आपको स्पीडोमीटर, बीच में मिल जाती है आपको डिजिटल MID जिसमें आपको शो हो रहा है लो फ्यूल का, यहाँ पे तेल का, और यहाँ पे इंडिकेटर दिख रहे होंगे। बाहर का टेम्परेचर कितना है अभी वो भी दिखा रहा है, और टाइम कितना हो चुका है वो सारा शो करता है। यहाँ पे मिल जाता है आपको हेडलाइट कंट्रोल, और यहाँ पे मिल जाता है वाइपर कंट्रोल, और यहाँ पे मिल जाता है आपको एक सनवाइजर विनेटिव मिरर के साथ में। लैंप यहाँ पे भी नहीं मिलती है आपको। बाकी चलते हैं अब जेटा वेरिएंट के इंटीरियर में, देखते हैं इससे क्या एक्स्ट्रा मिलता है। ये मिल जाता है अपना जेटा वेरिएंट, कुछ ऐसा मिल जाता है इंटीरियर, काफी अच्छा मिल जाता है। भाई की तो ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ना की का पूरा भंडार है, तो ढूंढ नहीं पाया मैं ऐसे कैसे उठा के लेके आ गया। यहाँ पे मिल जाता है आपको ब्लैक शेड में, ये मिल जाता है ब्राउन शेड, और यहाँ पे मिल जाता है सॉफ्ट टच। दोनों ही वेरिएंट में आपको सेम मिल जाता है। क्रोम हैंडल मिल जाता है यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग के साथ में। चारों पावर विंडो के कंट्रोल, ORVM मिल जाता है इलेक्ट्रिकली कंट्रोल, और यहाँ पे मिल जाता है एक बोतल होल्डर, यहाँ पे मिल जाता है थोड़ा स्पेस, यहाँ पे भी मिल जाता है आपको एक स्पीकर की प्लेसमेंट। सभी वेरिएंट में ना आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, स्टूडियो हो या ना हो। चलते हैं इसके इंटीरियर में। सबसे पहले सीट को ही देख लेते हैं, हाइट एडजस्ट के साथ में बेस वेरिएंट से ही आता है, इसमें क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे मिल जाता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और यहाँ पे मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे मिल जाता है लाइट लेवलर, एसी इवेंट सेम ही मिलते हैं आपको, और स्टीयरिंग कुछ ऐसा मिल जाता है, सेम ही मिलता है ऑलमोस्ट। क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है फोन कट करने के लिए, उठाने के लिए, और वॉइस कमांड देने के लिए। यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल तो बेस वेरिएंट में ही मिल जाते हैं आपको, और यहाँ पे मिल जाता है आपको सुजुकी का लोगो, और यहाँ पे क्रोम का वर्क। अपना मीटर कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें आपको डेकोमीटर, स्पीडोमीटर, और बीच में डिजिटल MID मिल जाती है। डबल बार पुश करने पे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, या फिर लॉन्ग प्रेस करने पर भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। सेम ही आपको दिखा रहा हूँ लो फ्यूल टाइम इतना हो गया है, और गाड़ी के बाहर टेम्परेचर कितना है, कितनी किलोमीटर चल चुकी है। और यहाँ पे मिल जाता है आपको हेडलाइट के कंट्रोल, और यहाँ पे मिल जाता है वाइपर के कंट्रोल। अपनी इस गाड़ी में ना स्टूडियो मिल जाता है, और मिल जाता है क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इस गाड़ी में ना एक्स्ट्रा स्टूडियो मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, और यहाँ पे मिल जाता है आपको AC इवेंट कुछ ऐसे, यहाँ पे मिल जाता है हैजर्ड लाइट का ऑप्शन, और यहाँ पे मिल जाता है AC ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, और यहाँ पे मिल जाता है आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ पे मिल जाता है आप USB का पॉइंट।
उसमें यूएसबी का पॉइंट नहीं मिलता, मतलब तीन पॉइंट आप गिन सकते हैं, एक तो स्टूडियो, दूसरा क्रूज कंट्रोल और तीसरा यूएसबी का पॉइंट जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है सिग्मा वेरियंट से। ये भी आपको सेम ही मिलता है, 5-speed मैनुअल के साथ में हैंड ब्रेक भी आपको सेम ही मिलती है, और ये मिल जाता है आपको आर्म रेस्ट सेम ही मिल जाता है, स्पेस भी, और यहाँ पे दो कप होल्डर, ये मिल जाता है आपको एडजस्टेबल हैंडल मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है आप सनवाइजर विनेटी मिरर के साथ में, और यहाँ पे मिल जाता है एयरबैग की बैचिंग, अपना डैशबोर्ड भी आपको सेम ही मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको एक स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। ट्यूटर की प्लेसमेंट इस वेरिएंट में नहीं आती है, इससे ऊपर वाला वेरिएंट है मतलब जेटा वेरिएंट से आपको ट्यूटर की प्लेसमेंट भी मिल जाती है। इतना सब मिल जाता है अपने डेल्टा वेरिएंट में, जो सिग्मा से एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहाँ पे आपको लैंप भी आपको सेम ही मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको सेम ही मिलता है जो मिलता है सनवाइजर 180 मिरर के साथ में। बाकी चलते हैं अब रियर सीट पे। पीछे का डोर कुछ ऐसा दिखाई देता है, और ये मिल जाता है पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे क्रोम हैंडल, सभी आपको डबल डोर सॉफ्ट टच मिल जाता है, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ में मिल जाता है, यहाँ ब्लैक और यहाँ ब्राउन शेड में मिल जाता है। बाकी चलते हैं अब इसके इंटीरियर में, देख लेते हैं क्या कुछ मिल जाता है अपनी गाड़ी के इंटीरियर में बैक सीट पे। तो भाई स्पीकर इस वेरिएंट में भी नहीं आते हैं, तो दो ही स्पीकर आते हैं जो आगे वाले आते हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं एसी इवेंट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे कोई भी यूएसबी या फिर 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको लैंप मिल जाते हैं रियर में, और ये मिल जाता है एडजस्टेबल हैंडल दोनों तरफ ही मिल जाते हैं। यहाँ पे मिल जाता है आपको कोट हुक मिल जाता है, और रियर के डोर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, बैक से देखेगा अपनी गाड़ी कुछ ऐसी, और इसमें मिल जाते हैं आपको व्हील कवर जो कंपनी से ही आते हैं, सेट करा सकते हो अपनी गाड़ी में। और इसकी सीट की बात की जाए ना, सीट मिल जाती है आपको रियर की, हेडरेस्ट मिलते हैं वो मिल जाते हैं आपको एडजस्टेबल, और इसमें आर्म रेस्ट मिल जाता है, टू कप होल्डर मिल जाते हैं दोनों, टोटली हेडरेस्ट मिलते हैं वो मिल जाते हैं आपको तीन। बाकी चलते हैं अपने डेल्टा वेरिएंट में, देख लेते हैं क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अपनी गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देती है रियर का डोर डेल्टा वेरिएंट का, यहाँ पे चाइल्ड लॉक मिल जाता है, सभी वेरिएंट में आता है, यहाँ पे सॉफ्ट टच, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पे भी आपको थोड़ी थोड़ी सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाता है आपको एक पावर विंडो का कंट्रोल जो आपको सेम ही मिलता है। इस वेरिएंट में आपको एक स्पीकर मिल जाता है जो बेस में नहीं मिलता है, जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वही आपको यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, मतलब इसमें चार स्पीकर मिल जाते हैं, यहाँ पे एक कप होल्डर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस। बाकी चलते हैं अब इसकी सीट में। रियर की सीट अपनी कुछ ऐसी दिखाई देती है, यहाँ पे एक लैंप और यहाँ पे मिल जाता है एक एडजस्टेबल हैंडल, यहाँ पे भी एडजस्टेबल हैंडल हुक के साथ में, ये आपको लैंप मिल जाती है। और रियर साइड में आपको इसमें मिल जाता है आपको पार्सल ट्रे, जो चीज एक्स्ट्रा मिली है वही आपको बता रहा हूँ मैं। बाकी तीन हेडरेस्ट तो दोनों वेरिएंट में ही मिल जाते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं आर्म रेस्ट मिलता है, उसमें आपको मिल जाता है दो का फोल्डर, और यहाँ पे मिल जाता है एक एसी इवेंट, और यहाँ पे मिल जाता है यूएसबी का पॉइंट, और यहाँ पे मिल जाता है सी टाइप चार्जर, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस, इतना सब एक्स्ट्रा मिलता है अपनी। बाकी चलते अपनी गाड़ियों के बूट में। बूट अपना 510 लीटर का मिल जाता है, दोनों ही वेरिएंट का सेम मिल जाता है। स्पेयर व्हील की बात की जाए तो R17 का स्पेयर व्हील मिल जाता है, बूट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, और जो इसकी सीट है वो मिल जाती है आपको 60-40 स्प्लिट के साथ में मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे लैंप मिल जाता है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट। और चलते अपने अल्फा में, वो सिग्मा में, सॉरी सिग्मा वेरिएंट में ये सब मिल जाता है आपको, यहाँ पे भी आपको सेम टायर मिल जाता है, यहाँ पे आपको कोई भी लैंप नहीं मिलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, 510 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, और ये मिल जाता है आपको हुक, दोनों वेरिएंट में सेम ही मिलता है। बाकी इतना सब मिल जाता है।
तो जो इन दोनों का इंजन आता है ना वो सेम ही आता है, 1500 सीसी का इंजन आता है। और मैनुअल में ये जो कंपनी क्लेम करती है इसकी एवरेज वो करती है 20 की, आराम से 16-17 तक ये गाड़ियाँ निकाल लेती है। स्मार्ट हाइब्रिड इंजन आता है, K15C सीरीज का इंजन आता है और 4 सिलेंडर इंजन। और इन दोनों की एक्स शोरूम की बात की जाए ना, एक्स शोरूम आ जाता है डेल्टा वेरियंट, उसका आ जाता है 13,89,000 रुपये, और जो सिग्मा का आता है वो आता है 11,90 का। तो देख सकते हो, डिफरेंस भी देख सकते हो दोनों में, और आपको कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी लगी। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।